आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर के कलाकारों व कलाकार संगठनों के सदस्यों के साथ सीएम योगी ने किया वर्चुअल संवाद। कहा, प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने, विकास का प्रतिमान स्थापित करने और लोक कल्याण की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में मिली सफलता को सीखा है गोरखपुर के कलाकारों, साहित्यकारों व जनता के साथ समस्याओं के निदान को लेकर किए गए आंदोलनों से। जनपद में नामांकन के पांचवें दिन 36 प्रत्याशियों ने किया पर्चा दाखिल। कैंपियरगंज में 3, सदर में 7, ग्रामीण में 7, चिल्लूपार में 3, पिपराइच में 1, खजनी में 7, सहजनवा में 4, बांसगांव में 2, चौरी चौरा में 3 ने किया नामांकन। अब तक 76 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। 5 दिनों में खरीदे गए 279 पर्चे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एरियम फाइनेंस ने दी जानकारी। बाहर से आने वाले फोर्स को ठहरने के लिए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने राजघाट, कोतवाली, कैंट, खोराबार थाना क्षेत्रों में पढ़ने वाले विद्यालयों का किया स्थलीय निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। भाजपा के खजनी विधानसभा के प्रत्याशी श्री राम चौहान ने किया नामांकन। कहा, जनता की जो भी जरूरत होगी उसे पूरा करने का किया जाएगा प्रयास। समाजवादी पार्टी से कैंपियरगंज विधानसभा के प्रत्याशी काजल निषाद और बांसगांव विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर संजय कुमार ने किया नामांकन। कहा, बेरोजगारी, किसान, महंगाई, नौजवानों, गरीबों के मुद्दों को लेकर करूंगा काम। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों ने किया नामांकन। लोक लुभावन वादों की प्रत्याशियों ने लगाई छड़ी। गोरखपुर में बुधवार को पाए गए 64 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 527। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। विधानसभा चुनाव को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कला संकाय भवन में PO2 मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण है जारी। मुख्य प्रशिक्षक ने कहा, मतदान कार्मिकों को समझाई जा रही है डिटेल में उनकी ड्यूटी। और भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर के ग्रामीण विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई संपन्न। प्रदेश महामंत्री ने कहा, युवा मोर्चा कार्यकर्ता योगी सरकार के जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने का करेंगे कार्य।